Vivo ने लॉन्च कर दिया Vivo V20 का छोटा भाई Vivo V20 SE। आज हम लोग करेंगे इसमें अनबॉक्सिंग, में आपको बताऊंगा ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये 21,000 को देखने को मिलता है एंड जो V20 है वो आपको 25,000 का देखने को मिलता है। 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल। यहाँ पे ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, कैमरा को घटा दिया गया है, प्रोसेसर को घटा दिया गया है एंड यहाँ पे जो बैक ग्लास देखने को मिलता है उसको आपको प्लास्टिक कर दिया। तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा, यहाँ पे अनबॉक्सिंग करूंगा एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेक्स के बारे में एंड ओवरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो, 500 लाइक्स का टारगेट करते हैं। आई होप कंप्लीट हो जाए, मेरे को लगता है नहीं कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट होता है तो थैंक यू सो मच, आप सभी से बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिल रहा है हमारे चैनल पे और इसी तरीके से आप लोग प्यार दिखाते रहो और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। सो यहाँ पे आप बॉक्स का ओवरव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेम Vivo V20 का तरह देखने को मिलता है, बस यहाँ पे Vivo V20 SE है। यहाँ पे अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है, Vivo V20 का अनबॉक्सिंग चार्जिंग टेस्ट एंड पब्जी टेस्ट मैंने किया है, आपको आई बटन यहाँ नहीं था, यहाँ पॉप आउट होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे साइड की तरफ कुछ नहीं है, साइड की तरफ कुछ नहीं है, पीछे तरफ आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का नाइट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, सुपर नाइट सेल्फी कैमरा, 33 वॉट का फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेन इन लोगों ने तीन चीज हाईलाइट किया, देख सकते हो, मतलब वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगा ये नहीं तो कौन सा आप ले सकते हो सेम प्राइस रेंज में। और यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिकेशन है, मेरे पास जो कलर है वो आपका ब्लैक है। अब भाई इन लोगों का बहुत अजीब सा नाम होता है, तो फटाफट बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस जब तक मैं बॉक्स करता हूँ अनबॉक्स, आप तब तक जाओ और वीडियो कर दो लाइक और हमारे चैनल करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर एक बार क्लिक कर देना, बिकॉज आपको नोटिफाई मिल जाएगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे इस बॉक्स को अगर हम लोग खोलते हैं, सो बहुत टिपिकल स्टाइल है अपना खोलने का, अगर ये खुल जाए तो सही आज। तो यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे टिपिकल स्टाइल में आपका यहाँ पे एक लीड देखने को मिलता है, Vivo V20S लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लोगो है जो कि आपको आराम से मालूम चलता है कि ये कैमरा को ज्यादातर फोकस किया हुआ है। और इसके अंदर आपको मैजिक टूल, यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है और आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि क्वालिटी सही सही सा है, आप देख लो। और यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे फोन है अपना मेन यूनिट एंड ओके, फोन बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये फील हो रहा है। और पहले ओके फोन को भी रखते हैं साइड में, बिकॉज फोन में हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ EMI नंबर वगैरह सब देखने को मिलता है, यहाँ पे एक और लीड है और यहाँ पे आपको मिलता है एक हेडफोन जैक। ओके दैट्स कूल, आपको हेडफोन जैक आजकल देखने को एकदम बंद सही हो गया है। यहाँ पे आपको USB 2 C-type चार्जिंग केबल, डाटा केबल देखने को मिलता है। इनबॉक्स आपको 33 वॉट का आपको फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है 2.0 और इनबॉक्स आपको यही सब देखने को मिलता है। और ये सबको हम लोग लगाते हैं साइड में। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट इंप्रेशन का बात करूं तो बहुत ज्यादा लाइट वेट देखने को मिलता है एंड बहुत ज्यादा स्लिम है Vivo V20 के तरह। कलर का बात करें तो मैं कलर देखी, ओ माय गॉड, फोन लगता है रिबूट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया बिकॉज प्रेस हो जाता है। पीछे आपका ग्लास फिनिशिंग नहीं है, पीछे आपको प्लास्टिक फिनिशिंग देखने को मिलता है, बट फिर भी मतलब आप यहाँ देख सकते हो कितना ज्यादा चमक रहा है, कितना ज्यादा शाइनिंग है एंड फिनिशिंग रियली बहुत ज्यादा मस्त देखने को मिलता है। यहाँ पे फोन ऑन हो गया बाय मिस्टेकली, अच्छा लग रहा है बट ये प्लास्टिक है, लेकिन फैक्ट यही है। और यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू का बात करता हूँ, लेफ्ट के तरफ आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, राइट के तरफ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन देखने को मिलता है, पावर ऑफ एंड ऑन बटन देखने को मिलता है, नीचे के तरफ में आपको 3.mm जैक देखने को मिलता है, माइक देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको C-type पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और ऊपर के तरफ में आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है एक, और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें कि इसमें कितना सिम लगेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे देखो भाई, 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो जो कि इसका खास बात है। बैक की तरफ में आपको प्लास्टिक फिनिशिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। नीचे में आपको Vivo का ब्रांडिंग है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैंने कवर लगा दिया, देख सकते हो कवर में भी ये काफी सही देखने को मिलता है एंड यहाँ पे कवर का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत सही लगा, आपको बेजल्स टू बेजल्स नीचे पूरा कवर किया हुआ है। अगर ये अगर इस तरीके से भी अगर गिरता है तो आपका फोन काफी हद तक सेफ हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आराम से यहाँ पे फोन खुल गया एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलता है, ओ माय गॉड, जो कलर है वो कलर काफी ज्यादा क्रिस्प क्लियर है, मतलब यहाँ पे आपको सुपर एमुलेट नहीं मिलता है स्क्रीन, बट यहाँ पे फिर भी कलर काफी सही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जैसे कि आपका स्नैपचैट देखने को मिलता है, स्पॉटिफाई देखने को मिलता है
और तो कोई नहीं है मतलब। ओके अमेजोन देखने को मिलता है प्री इंस्टॉल, फ्लिपकार्ट देखने को मिलता है। ओके यहाँ पे फोन पे भी आपको देखने को मिलता है प्री इंस्टॉल। तो ओके कुछ एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल है बट फालतू के नहीं है, आपका काम जरूर आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन को कितना ज्यादा पतला बनाया गया, उसके वजह से फोन बहुत ज्यादा थीन हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसका जो वजन है वो कितना देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैंने ऑन किया और यहाँ पे इस फोन को मैं रखता हूँ। सो यहाँ पे जो वजन है 174 ग्राम देखने को मिलता है एंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेट फोन आप कह सकते हो कि एकदम लाइट वेट, लगता नहीं कि आपने फोन को होल्ड किया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी भी सही है प्लास्टिक के हिसाब से। Vivo V20 SE आपको Android 10 के साथ आता है और यहाँ पे जो Vivo V20 है वो Android 11 के साथ आता है। तो आई होप यहाँ पे भी आपको अपडेट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कस्टम UI आपको फन टच OS देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दो कलर देखने को मिलता है, एक मेरे पास जो है ये शब्द भाषा में ब्लैक बोलता है लेकिन मेरे को ब्लैक कहीं से भी नहीं लग रहा है, ये ब्लू कलर जैसा लग रहा है, और दूसरा आपको ग्रीन देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले का बात करें तो 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस। यहाँ पे जो रेशियो आपको देखने को मिलता है 1080x2400 देखने को मिलता है और यहाँ पे जो 409 PPI के साथ यहाँ पे AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको सुपर AMOLED नहीं मिलता, बड़ा भाई में नहीं मिला तो आपको छोटा भाई में तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी मालूम चल जाएगी कि आपको कैसा देखने को मिलता है। मैं 1080p में चलाता हूँ एक सॉन्ग। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 665 और यहाँ पे ऑक्टा कोर 2 GHz पे आता है। यहाँ पे एड्रीनोस का 618 आपको देखने को मिलता है एंड ये जो प्रोसेसर है ये ओके सर, ज्यादा इसमें आप हार्ड काम नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल आपको मल्टीमीडिया करना है, ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब वगैरह सर्व करना है, फोटो सेल्फीज वीडियोस करना है। अगर आप गेमिंग मतलब कि थोड़ा बोरा बहुत करते हो, मतलब कि ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं है, मतलब नॉर्मली एक दिन में आधा घंटा एक घंटा खेल रहे हो तो पबजी टेस्ट भी हम लोग करेंगे, तो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB रैम विद 128GB इंटरनल और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 1TB तक। तो ये इसमें खास चीज है कि आपको 8GB रैम कम से कम आता है और हाँ OTG सपोर्टेड है। सो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हाईलाइट चीज का, वो है इसका कैमरा। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं कैमरा को ओपन करता हूँ। जो इसका मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का है 1.8 अपर्चर के साथ, जो दूसरा कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है वो है 2.2 अपर्चर के साथ, जो आपका थर्ड कैमरा है वो है आपका 2 मेगापिक्सल का जो है आपका 2.4 मेगापिक्सल के साथ। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांड हो मतलब वीवो ओप्पो रियलमी मतलब कोई मतलब नहीं, मैं बस अपना बात रख रहा हूँ कि अब यहाँ पे यार 20,000 के फोन में तो कम से कम 2 मेगापिक्सल देना कम करो, जो भी डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है मतलब वो बंद कर दो 2 मेगापिक्सल, अब कम से कम 5 मेगापिक्सल दो तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के लिए भी। तो यहाँ पे जो कैमरा जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सुपर वाइड एंगल देखने को मिलता है। तो मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने सुपर वाइड एंगल में एक फोटो क्लिक किया, यहाँ पे उसके बाद आप नॉर्मल 1x पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको मिलता है एक सुपर माइक्रो भी मिलता है। तो यहाँ पे एक ही कैमरा जो कि आपका दोनों काम करता है, तो सुपर माइक्रो भी मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे सुपर माइक्रो भी डेफिनेटली बहुत तगड़ा काम करता है। यहाँ पे जो रस्ट है वो काफी सही देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको नाइट मोड स्पेशली देखने को मिलता है, बिकॉज वीवो का फोन है, कैमरा में फोकस कर रहा है, नाइट मोड तो आपको देखेगा ही। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K कर सकते हो, 1080 कर सकते हो एंड 720p कर सकते हो। और यहाँ पे मोर में जाओगे तो आपको मतलब सारे बतेरे ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेशली AI 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, स्लोमो दिखता है, मतलब सारा अचरा कचरा आपको फैसिलिटी और स्पेक्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो कैमरा वेल मजा का मतलब अच्छा है। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी काफी सही है। तो Vivo V20 जो था वो भी बहुत ज्यादा फोकस किया था कैमरा में एंड डैम श्योर उसका कैमरा बहुत मस्त था देखने को मिलता है एंड इसका भी कैमरा आपका सही सही देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो ये डे लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे वाइड एंगल है तो आपको मालूम चलेगा कलर क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है। आपका नॉर्मल 1x में शूट हो रहा है तो आप देख लो एंड जो ऑडियो वो भी इनबिल्ट आ रहा है, थोड़ा सा
विंड वगैरह चल रहा है, कलर वगैरह कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा करके मैंने रखा है, तो यहाँ पे लाइटिंग आपको कैसा देखने को मिलता है, लाइट्स वगैरह। इतना बड़ा स्क्रीन को पावर देने के लिए आपको 4000 बैटरी एमएएच देखने को मिलता है। इनबिल्ट आपको बॉक्स में 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि दावा करता है 62% आधा घंटा के अंदर आपको 30 मिनट के अंदर चार्ज करके दे देगा। सिक्योरिटी का बात करूं तो यहाँ पे फेस अनलॉक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है इन डिस्प्ले। तो यहाँ पे फेस अनलॉक का अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा, टॉप कैमरा में यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मैंने फेस दिखाया, एंड फेस अनलॉक काफी ज्यादा फास्ट है। एज यूजुअल रियलमी आपका वीवो एमआई जो रहता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है बाकी सारे फोन से। फिंगरप्रिंट का बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा आपको फास्ट देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं इस फोन के बारे में कि ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये जो फोन है ये 21,000 ऑन फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मेरा फाइनल डिसीजन या फिर आप ओपिनियन सुन सकते हो। अगर आप वीवो का बहुत ज्यादा फैन हो, बहुत बड़े वाले फैन हो, तब आप यहाँ पे जाके वीवो के साथ जा सकते हो, वरना यहाँ पे आपको बतेरे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो रिकमेंड मैं करूंगा, अगर आप सैमसंग का फैन है तो सैमसंग M50s देखने को ले सकते हो। अगर आपको एकदम पैसा उसूल वाला फोन चाहिए, मतलब एकदम पैसा आपका उसूल जाए, वो आपका है रियलमी 7 प्रो। ये आपको 22,000 को देखने को मिलता है, इससे 1,000 ज्यादा है, और जो आपका सैमसंग है उससे 1,500 रुपए कम है इस फोन से। तो मैं बोलूंगा आप 1,000 ज्यादा लगा के आप रियलमी के साथ जाओ। एक और रीजन है कि ये आप नहीं लेके वो दो फोन ले सकते, बिकॉज ये मैं बहुत छोटा चीज है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कहीं करता हूँ, बिकॉज एक फोन को भाई 2-3 साल तो कोई भी चलाता है। यहाँ पे 2020 के एंड में नवंबर में आपको यू डिस्प्ले या फिर वी डिस्प्ले जो भी बोलो वो आपको देखने को मिलता है, और जो आपका रियलमी है एंड आपका जो सैमसंग है उसमें आपको ओ डिस्प्ले या फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले जो भी होता है, नॉच डिस्प्ले आप बोलो, यहाँ पे जो पंच होल वाला जो डिस्प्ले होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, किसी वो 2-3 साल बाद भी ओल्ड नहीं होगा। आशा करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, और इस टॉपिक पे किस किस पे चाहिए, मतलब इस फोन के ऊपर कौन कौन सा टॉपिक की वीडियो चाहिए, मेरे को नीचे कमेंट कर देना, वो सारे वीडियोज मैं आपके रिक्वेस्ट पे ला दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देना, हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।